इस प्रश्न में देखिए, ये आरएसटी एंगल पूछता है, ये एंगल क्या है? क्वेश्चन में ये एंगल पूछता है, सारा डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिला है, आपने पढ़ लिया होगा। आरएसटी एंगल के बारे में पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा, और ओपीटी एंगल दिया हुआ है, मतलब ओपीटी यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो हमें ओपीटी मिल जाएगा, यहाँ से ये लाइन खींचेंगे तो ये एंगल देखिए हमें दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री। तो आरएसटी पता करना है, और ये फिगर में ये दिया हुआ इस तरह से दो ब्रेथ एक दूसरे को काटते हैं। अब देखिए ओपीटी अगर दिया हुआ है तो यहाँ से केंद्र से ये समबाहु त्रिभुज बना दिया, अगर पीटी चाप को देखा जाए, देखिए पीटी अगर ये चाप है और ये केंद्र है तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, और एक एंगल ये दिया हुआ है तो एक ये एंगल बराबर होगा, यानी ये भी 20 होगा, यानी ये एंगल भी 20 होगा, क्लियर है? तो पी ओ टी कितना हो जाएगा, 20 20 40, और तीनों मिलकर 180 होता है तो 140 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें पी ओ टी जो एंगल है वो 140 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? पी ओ टी 140 कैसे आया, एंगल पी ओ टी 140 आ जाएगा, चूँकि ये 20 है, ये 20 है तो ये ओ पी टी। अब यही चाप से अगर हम इसको बनाते हैं, देखिए यहाँ से एक हम इसको मिला देते हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं टी क्यू को, तो इसी चाप से देखिए पी टी जो चाप है इसी चाप से केंद्र पे अगर 140 बन रहा है तो वृत्त के किसी अन्य बिंदु पे कितना बनेगा एंगल, उसका आधा बनेगा, यानी कि 70 बनेगा। ये एंगल कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। ये तो वृत्त का नियम है, वृत्त का रूल आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना हो गया, पी क्यू टी 70 डिग्री हो गया। 70 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि इसका आधा होगा पी ओ टी का, ठीक है? अब देखिए ये 70 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में टोटल 180 होता है तो 70 है तो 110 हो गया। अब देखिए ये एक साइक्लिक ट्रायंगल है, इस वृत्त को देखिए और इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये साइक्लिक त्रिभुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, क्यू आर टी एस चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है, आमने सामने का कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 110 है तो ये 70 डिग्री हो गया, तो आर एस टी इस प्रकार से निकल गया 70 डिग्री। तो आशा है आप समझ गए होंगे, ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसको ध्यान से, अगर नहीं समझे तो दोबारा भी इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।